नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2011 का सवाल है क्वेश्चन से इज आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स एस एच एम और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं और हमारे uh, हमें को बताना है इनमें से ओनली वन ओनली फोर फोर डज नॉट रिप्रेजेंट एस एच एम या फिर ओनली वन एंड थ्री रिप्रेजेंट एस एच एम या फिर ओनली वन एंड टू रिप्रेजेंट एस एच एम ये सवाल आपकी बेसिक्स आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे जाएगा बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो है उससे आपकी कितनी दोस्ती है कितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है सवाल इस बेसिस पे जाएगा ये बात अपने को पता है जब हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखते हैं हम कहते हैं कि डी टू वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर आपका इक्वेशन एस एच एम को रिप्रेजेंट करता है ना इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आप वाई को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या किसी एक मल्टीपल पे ओरिजिनल वाई का फंक्शन ही वापस आ जाना चाहिए ठीक है सो so, उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल ये इस सवाल का पार्ट नहीं है पर मैं आपको बेसिक कुछ क्लियर कर रहा हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाई कहते हैं ए साइन ऑफ ओमेगा टी ये अगर आपकी इक्वेशन है तो इसको जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको हम वाई डैश बोलते हैं एक बार इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आपका कॉस ओमेगा टी गया इसको हम एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई डबल डैश तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी नाउ ए साइन ओमेगा टी अगर इसको देखेंगे तो ये ओरिजिनल वाई है तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय एंड हैंड्स वी से दो बार डिफ्रेंशिएट करने पे आपका वापस ओरिजिनल फंक्शन का माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ये फंक्शन अगर आ जाएगा जिस भी सिचुएशन में वो इक्वेशन आपकी एस को सेटिस्फाई करेगी नाव एक एक करके इन सारी इक्वेशन को एक बार हम फिर वेलुएट uh, करते हैं एक बार इनको देखते हैं आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए नाव पहली क्वेश्चन हमारी कहती है आ, पहली क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी तो वाई इज इक्वल टू है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगाटी नाउ अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑल एड इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप साइन और कॉस को कंबाइन करके सुपर पोजिशन हमने सीखा हुआ है सुपर पोजिशन करके एक इक्वेशन लिखें वो अगर ना भी करें टाइम बचाने के लिए तो भी अपना आंसर आ जाएगा इसको अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसीेशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये माइनस का प्लस हो जाएगा ये आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी और एक यहाँ पे ओमेगा बाहर आ जाएगा प्लस ओमेगा इसी को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन का डिफरेंशिएशन फिर कॉस हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी नाउ इसमें से अगर आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी जो कि बन गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो वाई डबल डैश है वो अगेन वाई uh, का फंक्शन आ गया इट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर वन है वो आपका एस एच एम की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ना एक बार देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को जो कि है वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी नाव इसी इक्वेशन को यहाँ रेस करके जगह बना लेते हैं तो यहाँ अगर हमने लिखा सेकेंड uh, इक्वेशन हम लिख रहे हैं वाई इज इक्वल टू है आपका साइन ऑफ ओमेगा टी इसका क्यूब नाउ इसको जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई डैश तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसको अंदर घुस के जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये होएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी इसको पूरा लिख लेते हैं कॉस ओमेगा टी ये आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन आ गया यहाँ पे हमने चेन रूल का इस्तेमाल किया है नाउ इसके बाद इसको अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको थोड़ा सा एक तरफ करके लिख लेते हैं तो ये बनेगा थ्री ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा टी अब इसको दो बार डिफरेंस सेकेंड टाइम जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें हम चेन रूल प्लस प्रोडक्ट रूल दोनों लगाएंगे सो इसमें हम थ्री ओमेगा को यहाँ लिख सकते हैं अब इसको पहले कांस्टेंट मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको कांस्टेंट मानेंगे तो इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं ये कांस्टेंट है इसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा टू साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बनेगा ओमेगा मल्टीप्लाइड uh, बाय इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अब uh, उसके बाद हम इसको कॉन्स्टेंट मानेंगे तो ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको जब हम डिफरें एक मिनट हमने आ, पिछली बार इसको मल्टीप्लाई भी करना था तो एक कॉस स्क्वायर रहेगा Right. तो इसका differentiation आएगा twice omega t multiplied by, जब इसको ट करेंगे sin और ये मल्टीप्लाई होगा इसको मान के अब हम इसको differentiate तो इसको कर रहे हैं, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो so ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बायफ्रेंशिएशन आएगा माइनस टाइम्स ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा ये आपका डिफ्रेंसीशन हुआ है इसको थोड़ा सजा लेते हैं तो थ्री ओमेगा हमने बाहर ले लिया और साइन ओमेगा यहाँ से बाहर आ रहा है यहाँ से बाहर आ रहा है तो आपने साइन ओमेगा कॉन्सटेंट ले लिया और अंदर बचेगा आ, आपका ये बचा साइन ओमेगा टी कॉन्सटेंट हो गया ये बचा टू ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एक साइन अंदर चला गया ये बचेगा माइनस साइन यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी नाउ ये इक्वेशन आपकी इस का वापस फंक्शन नहीं बनेगा सो विच मीन्स आपका सेकेंड uh, इक्वेशन जो है वो आपका एस एच एम का फंक्शन नहीं है थर्ड इक्वेशन अगेन सिंपली कॉस फंक्शन है वो फिर एस एच एम आना चाहिए उसको एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं सो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए सो हमने सेकेंड इक्वेशन जो है उसको हमने लिखा वाई इज इक्वल टू है फाइव कॉस थर्ड इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू फाइव कॉस ऑफ ये है आपका थ्री पाए बाय फोर थ्री पाए बाय फोर माइनस थ्री ओमेगा टी हाँ नहीं अब इसको अगर हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो फर्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा फाइव कॉस का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन ऑफ ये माइनस आएगा साइन uh, ऑफ इसका साइन हम um लेंगे ये बनेगा आपका थ्री पाए बाय फोर माइनस थ्री ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय अंदर घुस के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बनेगा माइनस थ्री ओमेगा ये हो जाएगा तो ये वैल्यू बन गई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आ गया फिफ्टीन ओमेगा साइन ऑफ थ्री पाए बाय फोर माइनस थ्री ओमेगा टी ना इसको जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे सो अपनी जो वैल्यू आएगी ये बनेगी फिफ्टीन ओमेगा अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आएगा कॉस थ्री पाई बाय फोर माइनस थ्री ओमेगा टी अब अंदर घुस के जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री ओमेगा हालांकि इसको जल ले आते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी माइनस फोर्टी फाइव ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थ्री पाई बाय फोर माइनस थ्री ओमेगा टी नाउ कॉस थ्री पाई बाय फोर थ्री ओमेगा टी ये कॉन्सटेंट है इसको अगर फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस नाइन ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई सो so, ये आपकी ओमेगा की वैल्यू हो गई इसका मतलब हो गया आपकी इक्वेशन थ्री जो है वो भी आपका सिंपल हारमोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना आखिरी क्वेश्चन है उसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। सो uh, so, आपकी जो आखिरी क्वेश्चन है right, uh, आपकी आखिरी क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है वन प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर क्लीयरली ये इक्वेशन अगर आपको एस एच एम की प्रैक्टिस है क्लियरली इक्वेशन क्वेश्चन एस एच एम नहीं है बट एक बार चेक और वेरीफाई कर लेते हैं तो ये अगर देखेंगे तो वाई डैश आएगा जीरो प्लस ओमेगा प्लस ये बनेगा टू ओमेगा टी यानी टू ओमेगा स्क्वायर टी वाई डबल डैश करेंगे तो ये बनेगा जीरो प्लस uh, ये बनेगा आपका टू ओमेगा स्क्वायर ये क्लियरली आपके ओरिजिनल वाई का फंक्शन नहीं है तो विच मीन्स आपका फोर्थ इक्वेशन भी एस एच एम की इक्वेशन नहीं है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी विच सेज वन एंड थ्री सो ऑप्शन नंबर थ्री ओनली वन एंड थ्री एस एच एम को रिप्रेजेंट करती है एंड हैंस ऑप्शन सी वुड बी द राइट चॉइस